ये क्वेश्चन था, इसको लेना था, हाँ लीनियर सर बोल लीनियर मैं क्वेश्चन, सर सॉरी। इसको। अच्छा मीटिंग क्लोज है कितने हाँ शाम में भी रहेंगे महीने से लोग ये 8 से। ये जो क्वेश्चन है, अगर ये आपने लिख लिया तो इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। इसे यहाँ पर कहा गया है कि स्टडी करना है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर करना है। इसके क्वेश्चन 12 पीपल सिट हो रहे हैं अगर दो पैरेलल रोज में, जिसमें 6 लोग है, इन अ सच वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इन रो वन। तो हमारे पास में 2 रोज रहेंगे, रो वन और रो टू। ये इस तरह से रो वन जो है तो उसका जो फेस है सबका, तो वो साउथ की तरफ है, तो साउथ की तरफ फेस मतलब ये इस तरफ में रहेगा, और इनका जो है तो साउथ की तरफ, साउथ और ये दूसरों का नॉर्थ। और ये साउथ, ये होने के बाद अब यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन को हमने यहाँ तक रीड कर लिया कि 2 रो है और पहली रो में ए बी सी डी ई और एफ है, और दूसरी रो में पी क्यू आर एस टी और वी है, लेकिन इनके अभी हमें कैसे बैठे हैं वो देखना रहेगा। देयरफॉर इन इज गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन रो फेसेस वन अनदर ऑफ द अदर रो, मतलब एक दूसरे के तरफ में फेस है उनका। अब क्वेश्चन यहाँ से चालू हो रहा है, वी सिट, वी बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस की तरफ में। आपका बताया रजिस्टर, उसमें जो आपने पहले किया था लीनियर में, आपने लिखे थे, सॉल्व किए थे आपने सीटिंग का, ये वाली पोजीशन है ना जी। तो अभी यहाँ पर जो वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि रो वन और रो टू है, तो रो वन में जो है तो ए बी सी डी ई है, तो अब वी कहाँ पर आएगा, रो टू में। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो हमें 5 पोजीशन पहले बनाना रहेगा और उसके हिसाब से वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, वी बैठा है थर्ड राइट से एस के थर्ड में, राइट साइड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एस को बना लेंगे,
जब भी शुरुआत करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन से एक मिडल में एक पोजिशन लेते हैं, तो इसको एस ले लेंगे, इसको करेंगे कंसिडर एस। तो एस थर्ड में बैठा है बी, तो यहाँ पर एक सेकेंड रहेगा, एक छोड़कर और दूसरा थर्ड, 1 2, और ये थर्ड पे जो लास्ट में, तो लास्ट में है बी, तो बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, ये एक स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर। एंड एफ डज नॉट सीट, उसके बाद में ये स्टेटमेंट यहाँ पर से है, एस फेसेस एफ, एस जो है तो फेस करेगा एफ को, तो एस के इमीडिएट ऊपर में हमें लिख देना होगा एफ इस स्टेटमेंट के हिसाब से, एस फेसेस एफ, एंड एफ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, कि एफ लाइन के एंड में कहीं पर भी नहीं बैठा। तो यहाँ तक का कलेक्ट हो गया इंफॉर्मेशन। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, अब डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो हमारे पास सी नहीं है, हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे कि डी डी लिखेंगे पहले, डी सिट्स थर्ड थ्री, इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ले लेंगे राइट ऑफ सी, इसको इन्फॉर्मेशन में ले लिया हमने। अब उसके बाद है आर फेसेस सी, आर का फेस सी की तरफ होगा, तो ये भी हमारे पास अभी नहीं है, यहाँ पर हम इसको इन्फॉर्मेशन में ले लेंगे, फेस लिख देंगे इसको फेसेस सी, फिर ऐसे भी बता सकते हैं आर फेसेस सी, द वन हु इज फेसिंग ई, ई को जो फेस कर रहा है, तो वो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन हु इज फेसिंग, वन हु इज फेसिंग ई, ई को जो फेस कर रहा है वो बैठेगा थर्ड टू द राइट ऑफ पी के, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आर और यहाँ पर थर्ड, वो कहाँ पर बैठेगा पी के, तो इसको पी कर ठीक देंगे, पी कर देने के बाद ये हो गया स्टेटमेंट। यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा है, क्वेश्चन मार्क डाल दे, ये हमें पता नहीं है। The one who is facing E sits third. जो फेस कर रहा है E को वो बैठेगा थर्ड टू द राइट ऑफ P. और उसका फेस किधर रहेगा ये भी लिखना है, यही बंदे का फेस रहेगा E की तरफ, तो यहाँ पर फेस F भी लिख सकते हैं, और ये दोनों भी कॉमन है, ये पता नहीं। एक ऐसा बंदा है जिसका फेस ई की तरफ है और वो है थर्ड राइट ऑफ पी में, तो हमारे पास अभी पी भी नहीं है। अब ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए, उसके बाद है बी एंड पी डज डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, बी और पी एंड में नहीं आएंगे, तो यहाँ पर हमको सीरीज के हिसाब से लगाना होगा, ये तो ABCD की लाइन है, तो बी, हाँ यहाँ पर बी लिखकर क्रॉस कर देंगे। हाँ अभी स्टेटमेंट के हिसाब से एफ कहाँ पर था, एफ तो आ गया, तब तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, एफ तो क्योंकि पोजीशन ले चुका है, और ये बी, तो बी लास्ट में नहीं आएगा, ये हमारे पास है, और पी भी जो है तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये पोजीशन बी ने ले लिया है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, पी यहाँ पर नहीं आएगा, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब टोटल कितने पर्सन है हमारे पास, सिक्स, तो ये एस के बाद में कितने रहेंगे, दो लोग हैं, दो, ये वन और टू, तो मतलब पी या तो यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर या फिर इधर, तीन जगह पर पी के लिए रहेगा जो लास्ट में नहीं आएगा। अब उसके बाद है टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, टी जो है तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी नहीं है, तो मतलब बी के पास में टी नहीं आने वाला है, इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ए इमीडिएट नेबर सी का नहीं है, तो अभी हमारे पास में यहाँ पर अभी ए नहीं आया है,
इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में ले लेना है कि जहां पर ए जो रहेगा सी के नेबर में नहीं आएगा, कि ए इज नॉट नेबर, नेबर का एन डाल देंगे, नेबर ऑफ सी, तो ये नहीं है। उसके बाद ए इज नॉट नेबर ऑफ सी, ये हो गया। उसके बाद आर डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, आर भी एंड में कहीं नहीं आएगा, तो पी जैसा लिखा है तो पी या आर ये दोनों भी लास्ट में नहीं आएंगे इस लाइन में। तो अभी हमारे पास में आर की लाइन ऊपर नहीं, ए बी सी डी ई एफ तक ऊपर है, ये वाला पहली रो जो है ए बी सी डी ई और एफ। तो इस तरह से ये छह लोग यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे दूसरी लाइन में जो बैठे हैं ईच अदर को फेस करते हुए, एक का डायरेक्शन साउथ की तरफ एक का नॉर्थ की तरफ। अब इसकी सीक्वेंस रखकर देखना है। अभी हमारे पास ठीक फॉर्मेशन के हिसाब से हमने क्या लिखा था कि वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो वी थर्ड ऑफ राइट ऑफ एस से अगर हम टॉपिक है तो कोई भी आप म्यूट कीजिए आपके पास से, जो जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हुए हैं सब म्यूट कीजिए। यहाँ तक आ गया। अब ये अलग से इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे ये बताइए। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन सिर्फ एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पे है, एग्जैक्टली सर्टन नहीं है, अनसर्टन टाइप की। सर्टन वाली जो थी तो वो भी इस तरह से थी कि एस के थर्ड राइट में जो है तो वी आने वाला है, तो या तो हम यहाँ पर भी लिख सकते थे एस, यहाँ पर आ सकता था वो, या फिर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये बताया हुआ था क्वेश्चन में कि एफ जो है तो लास्ट में नहीं आएगा कभी, तो एफ जैसे कि लास्ट में नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा लास्ट में, तो उस हिसाब से हमने क्या किया था कि एफ को सेंटर में रखते हुए मैं एस को कंसिडर किया था, एज्यूम यहाँ से भी हम कर सकते थे उसे, लेकिन हमने उसे स्टार्टिंग यहाँ से की एक केस के तरह। तो अब इसका सेंटर फेसिंग, इसकी जो फेसिंग है इसकी एफ की तरफ आ गई यहाँ पर। अब बाकी के कैसे लेंगे, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में डी आएगा। तो अभी इसे हमें एज्यूम करके देखना रहेगा कि कहाँ पर हम रख सकते हैं, और कंडीशन में क्या है कि बी लास्ट में नहीं आना है अभी, और पी या आर भी ये लास्ट में नहीं आना। तो हमारे पास में एफ जो था, एफ को तो हमने सेंटर में ले लिया, यहाँ पर एक ही बचा है। तभी हम पहले पॉसिबिलिटी के हिसाब से सेकेंड रो को फोकस करेंगे, जिसमें दो चीजें हैं, दो चीजों की वजह से ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है। जिसमें बताया हुआ है कि पी और आर लास्ट में नहीं आएंगे, एक जगह तो बी ने ले लिया है, उस हिसाब से पी और आर यहाँ पर कहीं आना चाहिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नेबर वाली इन्फॉर्मेशन जो है पी थर्ड राइट है अननोन पर्सन का, वो ये है कि आर का फेस सी को होना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में फेसेस वाले अगर हम देखते, नेबर वाले में तो ए और सी का है, अभी हम आर आर फेसेस सी वाला देखेंगे। सेकेंड रो को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हमें करना है, और आर फेसेस सी ये दो दो में सी रिपीट हो रहा है, आर फेसेस सी एंड डी इज थर्ड राइट ऑफ सी। तो सर ये थर्ड थर्ड राइट ऑफ पी जो अननोन है, तो अगर पी को अगर हम इधर से रखते हैं एस के बाजू, तो ये 1 2 3 मतलब मे बी बी के बाजू जो अननोन परसेंट है वो आ सकता है, क्योंकि हाँ इधर से लिया था फिर थर्ड वाली पोजीशन नहीं आ रही, तो जब थर्ड राइट वाला लेना है पी हाँ तो यहाँ पर एस के बाजू में पी रख कर देंगे। रखेंगे देखेंगे, क्योंकि थर्ड परसेंट पी के बाजू में आएगा, वहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जी अनोन हाँ, परसेंट है थर्ड थर्ड राइट राइट ऑफ राइट बराबर। अगर हम पी को अगर यहाँ रखते थे, वेरी नाइस, तो यहाँ पर थर्ड के लिए जगह ही नहीं बची थी, हाँ, तो उस वजह से 100% ये पी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं आ सकता है। क्योंकि अब राइट पी में के राइट साइड जाएगा में कोई है, कौन है बताया हुआ था, कोई अनोन पर्सन परसेंट है जिसका फेस ई के तरफ है, हाँ, तो तो उसके ऊपर हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिकली ई भी आ ये जाएगा। आ जाएगा। ये दो इन्फॉर्मेशन ये आ गई, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई उसको हम क्रॉस कर देंगे ताकि वो बार बार रीडिंग में ना आ पाए। ये एक हो गया। ये लिखा हुआ है, अब ई तक हमारे पास में आ गया पी आ गया, अब आर भी जो है तो ये है कि लास्ट में नहीं आएगा, तो दो ही पोजीशन बची है। तो क्या आर हो सकता है जिसका फेस ई की तरफ होगा? आर फेसेस सी है, मतलब आर के लिए अपने को एक अलग जगह देखना हाँ, एक पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि आर फेसेस सी,
आरपीएससी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी बाकी है, तो सी की तरफ में वो आएगा, तो ये आर नहीं होगा, तो आर मतलब नहीं फिर क्या बच रहा है, क्यू क्यू बच रहा है, सर आर तो लास्ट में ही है। हाँ तो यहाँ पर क्यू रख देंगे, राइट। उसके पास नहीं है हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या नेबर, नेबर वाला तो जो क्वेश्चन था कहा पड़ता कि टी नहीं आ सकता, टी यहाँ पर हमने क्रॉस लगाए हुए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आ गया, तो टी नहीं आएगा। अब हमारे पास दो ही चीजें बची है इस लाइन को फिल होने के लिए, एक तो टी है, जो टी यहाँ नहीं आएगा तो या तो यहाँ पर आ सकता है, और दूसरा है आर, लेकिन आर यहाँ पर नहीं आएगा तो 100% वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये बचा टी, तो जिसको हम ये हटा देंगे और यहाँ पर टी रख देंगे, तो ये सीरीज हमारी एक मुकम्मल हो गई। और आर फेसेस सी, अब आर फेसेस सी तो यहाँ पर भी 100% ये आ गया, तो आर फेसेस सी ये इन्फॉर्मेशन काम में आ गई, और डी इज थर्ड राइट ऑफ सी, थर्ड राइट यानी कि यहाँ पर लास्ट में राइट, क्योंकि यहाँ पर बी की एंट्री नहीं थी, और बी की एंट्री यहाँ नहीं थी मतलब ये बाजू में आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं आएगा, हाँ, अब सिर्फ एक बचा है, वो कौन सा बचा है, ए। अब जो है तो ए इज नेबर ऑफ सी, ये वाला ऑप्शन ए नेबर नहीं होगा सी की, ये रॉन्ग लगा हुआ था ऊपर, तो इस हिसाब से भी स्टेटमेंट के हिसाब से सही हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में आ गई, डी इज थर्ड राइट ऑफ सी, और ये सीरीज बन गई इस तरह। तो ये लाइन का क्वेश्चन इस तरह से था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये, तो इसको रिकॉर्डेड वीडियो में सबको देख लेना होगा जो बाद में ज्वाइन हो, ये क्वेश्चन आप लिख कर रख दीजिए, हाँ वीडियो ये डालने वाले इस तरह से। तो ये लाइन के ऊपर एक ही क्वेश्चन था जो कि कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल में अगर इजिएस्ट आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक मरतब ये रिपीट करना है क्या फास्टेस्ट वे में, मतलब अगर जो जो सबको नहीं समझाऊंगा ऑनलाइन में भी, तो वीडियो डाली है ना, तो रिपीट करने से हाँ फास्ट वे में इसको एक मरतब ले लेंगे, सिर्फ इस सीरीज में से ये हटा देंगे। थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, हाँ आप थोड़ा थोड़ा इधर ले लीजिए, आप इधर आइए, हम इधर आ जाते हैं, आप इधर ये क्वेश्चन को एक मरतबा फिर से रिपीट करेंगे फास्टेस्ट वे में। बहुत सारे ऑनलाइन में लेट ज्वाइन हुए, बाद में वो सब भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन था हमारे पास, उसके लिए क्या करना था कि हमारे पास क्वेश्चन है कि स्टडी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आंसर करने गिवन क्वेश्चन को, 12 पीपल 12 लोग बैठे दो पैरेलल रोज में, तो दो पैरेलल रो मतलब लाइन का क्वेश्चन है, ये ऐसे रोज बनेगी, दो दो लाइन के बाद में सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस है उनके बीच में, रो वन में इसको रो वन कंसिडर करेंगे आर वन, और ये जो है तो ए बी सी डी और ई एफ यहाँ तक आएंगे, ए बी सी डी ई एफ रहेंगे यहाँ पर इस लाइन में, ये ऐसे क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये दो रोज बनाना है पैरेलल, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आठ लोग बैठे हैं उसमें रो वन में ए बी सी डी ई है, तो यहाँ पर हम सिक्स निशान लगा देंगे, यहाँ पर ये दो यहाँ पर हो गए, और ये सेकंड लास्ट वाले, और उसके बाद ये दो तीन चार पाँच छः, ये छः हो गए, और सेम हाँ इक्वल डिस्टेंस में रहे। अब उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये फेसिंग नॉर्थ, ये वाले जो है तो नॉर्थ की तरफ, इनका साउथ की तरफ है, ये वाले रो वन वाले साउथ की तरफ और ये वाले नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ इनकी फेसिंग है, देयरफॉर सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा इनमें मेंबर ऑफ अदर रोज के फेसेस में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ये क्वेश्चन यहाँ तक रीड हो गया। अब उसके बाद यहाँ से लेना है कि वी सीट सेट टू द राइट ऑफ एस, तो हमने क्या किया कि जैसे कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में मिडल से चालू करते क्वेश्चन, तो उसने कहा था कि वी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, तो हमने कंसिडर कर लिया एस को मिडल में, जो कि जिसके हिसाब से वी थर्ड राइट रहेगा, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई,
और ये बता रहे हैं कि S faces F, S का फेस F की तरफ होगा। अगर हम S को यहाँ से स्टार्ट करते थे तो वो आगे इन्फॉर्मेशन में है कि F does not sit at any of the extreme ends of the line, वो लास्ट में नहीं आना चाहिए कोई भी लाइन को। तो F का फेस जो है, तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन में ये लिख देंगे, यहाँ पर जैसे हम इन्फॉर्मेशन के F यहाँ पर नहीं आएगा और F लास्ट में भी नहीं आएगा, दो जगह पर ये F नहीं आएगा। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, डी सीट्स। अब उसके बाद है डी सीट्स थर्ड और टू द राइट ऑफ सी, तो हमारे पास सी है ना डी है, तो अभी हम इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिख लेते हैं कि डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो यहाँ पर थ्री लिखना है, राइट का आर यहाँ पर और सी थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये इन्फॉर्मेशन हमने उसको ले लिया। और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने सिंबॉलिक मैनर में उसे बना लिया। आर फेसेस सी, आर का फेस जो रहेगा वो सी की तरफ। सी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होने की वजह से उसको यहीं पर लिखना है। उसके बाद आर फेसेस, फेस के लिए हम दो एरो ऐसे बना लेंगे और फेस का एफ लिख देंगे या फेस लिख देंगे, समझने के लिए फेस किसके तरफ, सी की तरफ है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ गई। उसके बाद है द वन हु इज फेसिंग ई, जो ई की तरफ फेस कर रहा है, तो वो थर्ड है राइट से पी के। तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बनाना है कि अभी हमको पता नहीं है कौन है, क्वेश्चन मार्क। एक ऐसा बंदा है जो फेस कर रहा है किसकी तरफ, ई की तरफ, विजिबल है ना, दिख रहा है ई की तरफ जो देख रहा है। तो ऐसा बंदा है जो थर्ड राइट में बैठा है पी के, जिसका फेस ई की तरफ है, तो यहाँ पर फेस लिख देंगे। और उसी से जुड़ा क्वेश्चन है कि यही बंदा जो है, इसका फेस है थर्ड राइट, तो ऊपर लिखेंगे थ्री, नीचे लिखेंगे आर। थर्ड राइट ऑफ क्या है, पी के, थर्ड राइट ऑफ पी, वही बंदा थर्ड राइट ऑफ पी में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपके पास लिखना है, मतलब इसमें ज्यादा अनसर्टन इन्फॉर्मेशन है, सर्टन नहीं हो पाने के से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अब इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ तक ले लिया है, वन हुई सिटी फेस थर्ड ई का, यहाँ तक पी के राइट में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि बी एंड पी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, बी और पी लास्ट में नहीं आएंगे, तो बी की रो कहाँ पर रहेंगी, यहाँ पर एफ के बाजू, तो एफ भी नहीं आएगा और बी भी नहीं आएगा यहाँ पर, ना बी आएगा ना एफ आएगा, ये लास्ट में हो जा रहा है, तो इसको हम स्मॉल यहाँ पर लिख देते हैं बी। इस जगह पर बी की भी एंट्री नहीं है और एफ की भी नहीं है। अब उसके बाद है पी, बी उसी में बताया, तो पी नीचे के रो में लिखना होगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा लास्ट में, और एक लास्ट में तो वी हमने रख ही चुके, फिर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप उसे रख सकते हैं कि यहाँ पर पी नहीं आने वाला। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आ गई, बी एंड पी डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अनसर्टन ही इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जिसको लिखने के लिए हमारे पास में कम जगह बच रही है, उसको हम ऊपर लिख देंगे कि टी इज नॉट इमीडिएट नेबर, तो हम टी लिखेंगे और नेबर को हम एन डाल लेंगे, एन से डिनोट कर देंगे, टी इज नॉट नेबर इमीडिएट नेबर ऑफ वी, और इसको क्रॉस मार्क लगा देंगे, ये नहीं होगा। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली अनसर्टन, एंड ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, और उसी तरह से नेबर के ही क्वेश्चन में ए नेबर नहीं है सी। सी का। अगर आप इसे लिखेंगे नहीं तो आप इतना कंफ्यूज होंगे कि आप इसको आधे घंटे में भी सॉल्व नहीं कर सकते, इसको विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखेंगे। तो ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ये हो गया। अब उसके बाद आर डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो आर को, आर भी जो है तो लास्ट में नहीं आएगा, और आर कहाँ पर आएगा, रो टू में, क्योंकि उसका जो सीरीज है रो टू में दी हुई है, तो आर यहाँ पर भी नहीं आएगा और पी के बाद में यहाँ पर लिख देना आर। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पूरी तो अनसर्टन इन्फॉर्मेशन है, और जो गिवन था उसे भी हमने एक अंदाज से रखा है, इसे एस को भी मिडल में रख दिया, वी को एग्जैक्ट नहीं, सिर्फ बताया गया था कि एस की फेसिंग एफ है, तो हमने एफ लिख दिया है बस, मतलब पूरा ब्लैंक क्वेश्चन था एक हिसाब से। अगर आप उसकी सीरीज यहाँ से स्टार्ट करते तो ये गलत होता था, क्योंकि एफ लास्ट में नहीं आना चाहिए और एस इधर से भी चालू नहीं कर सकते आप, और थर्ड राइट में आना चाहिए वी, इस तरह से था। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते थे तो वी यहाँ पर आ सकता था, लेकिन हम उसे मिडल से चालू करके अभी देखेंगे केस वन में। तो अब क्या लेंगे हम यहाँ पर,
पूरी इन्फॉर्मेशन तो अनसर्टन है, तो अब क्या चेक किया था हमने? सर पी थर्ड राइट है, अननोन पर्सन का, तो पी थर्ड राइट है, हाँ, तो यहाँ से लिए तो पी वहां पर आ रहा है, एस के पास थर्ड राइट और अननोन पर्सन बी के पास। कोई अननोन पर्सन है, अभी हम इसे स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि रो वन में सिर्फ एक ही बंदा है और रो टू में दो हमारे पास में वैल्यूज है, तो ज्यादा वैल्यूज कब फिल होंगे? जिसमें ज्यादा डिजिट्स फिल है या फिर जिसका नंबर और स्पेस ज्यादा टेकन है, तो उसको हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस, जितने एम्प्टी स्पेसेस उतने रॉन्ग होने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा। अब हमारे पास में यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ पर आर भी नहीं आएगा और पी भी नहीं आएगा, तो मतलब दो चीजें यहाँ पर नहीं आएगी, तो आर को या तो यहाँ पर लिखेंगे या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो आपने ऐसा अच्छे से अंदाजा लगाया कि आर को अगर हम एस के बाजू लिखते थे तो थर्ड में उसको जगह ही नहीं मिल रही, अगर वी के बाजू में लिखते थे तो यहाँ पर भी उसको जगह नहीं मिल रही है, और एक इन्फॉर्मेशन और एक थी कि टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, तो यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि टी वी के बाजू में नहीं आएगा, तो यहाँ पर टी नहीं रख सकते हैं वी के बाजू, ये इन्फॉर्मेशन जो है तो यहाँ पर दी गई थी। देखिए टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ये वाले इसके हिसाब से, तो यहाँ पर थर्ड राइट में एक ऐसा बंदा है जो पी के थर्ड राइट में, जिसके थर्ड राइट में पी आएगा, तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर अगर आता है तो थर्ड राइट नहीं होगा, तो पी को 100% यहाँ पर आना है। नहीं सर, इधर साइड से पी आएगा क्योंकि वहाँ अननोन नंबर है, अननोन है, हाँ अननोन है, इसके थर्ड राइट है, हाँ अननोन पर्सन का थर्ड राइट पी है, तो यहाँ पर हम पी रख देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एस की जगह है और वी से अगर काउंट करें तो, और यहाँ से अगर लेते हैं तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर रखे। अब एक अननोन पर्सन है, अब इसके हिसाब से हम क्या ले सकते हैं पी के, यहाँ पर पी आ गया, डैश फेसेस वी के बाजू आ जाएंगे ऑटोमेटिक, तो ई कैसे लिया आपने? क्योंकि सर वो जो अननोन पर्सन है वो फेस कर रहा है ई को, अननोन पर्सन फेस कर रहा है ई को, तो अभी हमारे पास ऊपर ई नहीं है ना, तो ई लेंगे ना सर, क्योंकि हमने अननोन पर्सन से ही पी लिए ना, थर्ड राइट ऑफ पी, हाँ एक ऐसा पर्सन है जो थर्ड राइट में है पी, अननोन पर्सन क्या है, तो वही पास में होगा ना सर, अननोन पर्सन आप इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, डायरेक्ट नहीं रख सकते, आप कैसे रखेंगे ई को यहाँ पर जो फेस कर, अभी आपको ये नहीं मालूम कि अननोन पर्सन कौन है और आप बोल रहे कि वो फेस कर रहा है ई को, इन्फॉर्मेशन दी थी तो हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई थी कि जो थर्ड राइट में आएगा डायरेक्टली वो फेस करेगा वही ई को, तो हाँ। अभी भी क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ पर ये रख देंगे, एक क्वेश्चन में मतलब दो उसके स्टेटमेंट थे तो वो हिसाब से ये ई आ गया, बराबर एक ही बंदा है जो ई को भी फेस करेगा और उसके थर्ड राइट में पी आएगा, तो मतलब अभी भी क्वेश्चन मार्क है जिसको ई लिख देंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या निकलेगा, अब ये इन्फॉर्म ये रो को पहले फिल करेंगे, आर फेसेस सी, अब यहाँ पर बताया हुआ है कि आर यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर आर यहाँ पर लिखते थे तो ई है इसका फेसिंग, तो इस वजह से आर को यहाँ पर लिख देंगे 100%, क्योंकि सी फिर यहाँ पर आ जाएगा और सी ए का नेबर नहीं है, तो ए का नेबर भी नहीं हो रहा ई और एफ है बाजू, तो ये आर आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर, एक है, दो डिजिट कौन से बच रहे हैं, क्यू और टी, टी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ निशान लगा हुआ था यहाँ पर नहीं आएगा, तो टी यहाँ पर आ जाएगा और आर यहाँ पर नहीं आएगा, क्यू तो क्यू बचा है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे क्यू, इसको सेलेक्ट करके ये डिलीट कर देते हैं टी को, ये डिलीट और यहाँ पर लिख देंगे क्यू, ये सीरीज पूरी रो नंबर टू कंप्लीट हो गए। अब रो नंबर वन बचे जिसमें दो ब्लैंक है, जहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बी की एंट्री यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं, तो एक ही जगह बच रही है एफ के बाजू, यहाँ पर लिख देंगे बी, और एफ की एंट्री यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं,
लेकिन वो मिडल में है ऑलरेडी, तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर दो चीजें बच रही है, एक है ए, और अब यहाँ पर दिया हुआ है आर फेसेस सी, तो ये इसके हिसाब से भी सी बराबर हो गया, ये इन्फॉर्मेशन को कट कर देंगे। डी इज थर्ड राइट टू सी, डी इज थर्ड राइट टू सी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, थर्ड राइट में रहेगा सी के, तो ये इन्फॉर्मेशन ये बराबर हो गई। अब बचा एक के टी इज नेबर, टी एन का नेबर नहीं है, तो टी जो है तो एन के नेबर में नहीं आ रहा, ए बचा ना सर, तो ए आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि उसमें एक ये नेबर। इन्फॉर्मेशन भी बराबर होगी क्योंकि टी यहाँ पर ले लिए थे, ए इज नॉट नेबर ऑफ सी, तो यहाँ पर ए आ जाएगा और सी के नेबर में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से सेम पैटर्न आया है क्या, या फिर कुछ और हो गया, सेम पैटर्न आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये सॉल्व हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेंगे, समाज का प्रॉब्लम था ना, समाज के ताल्लुक से, समाज 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 मराठी ग्रामर, हाँ समाज के हिसाब से। संधि, संधि के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, संधि इजी है समाज के मुकाबले, संधि बता दीजिए। पहले समाज का ले लेंगे, इसका एक इन्फॉर्मेशन निकाल के रखा हुआ है, आपके बिजनेस का भी डुप्लीकेट हो गया तो इसको पहले समझ लेंगे, फिर उसमें समास ओड़ का इस तरह से आ सकता है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी, ये मराठी का जो आपको टेट में टॉपिक है तो उसका है, जैसे कि उसको समझना होगा, उर्दू में बोलना उसको जरूरी नहीं, ऐसे उर्दू में कैसा रहता है कि कोई भी ग्रामर का नाम उसको निकालना पड़ेगा, समास मतलब उर्दू में क्या, लेकिन अभी पहले क्या करना है हमें उसको उर्दू में लिखने के बराबर नहीं, पहले आप इसको समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है, तो आपका इसमें निकल गया मुरक्कब, कंपाउंड मतलब मुरक्कब, संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। समास शब्द संस्कृत की अस धातु से बना है, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम उपसर्ग में अस धातु जोड़ने पर समास शब्द बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द और पद से आप पूर्व परिचित हैं। पद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द है और हम कहें मोहन बाजार जाता है, तो वाक्य के अंतर्गत मोहन शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे पद कहा जाएगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, यहाँ तीन शब्द हैं, रस से और भरा, इन तीनों को जोड़कर एक नया शब्द बनकर आ रहा है रस भरा। यही प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रकार बना ये रस भरा शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे ही देखिए आनंद में मग्न, आनंद मग्न, यहाँ प्रयुक्त आनंद मग्न शब्द समास की प्रक्रिया द्वारा बना एक नया शब्द है और इस प्रकार आनंद मग्न शब्द यहाँ समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। आगे देखते हैं, जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना हो, हम देख रहे हैं कि यहाँ दो पदों का मेल हो रहा है, जैसे राजपुत्र, यहाँ राज और पुत्र ये दो पद हैं। अब जिन दो शब्दों के मेल से समस्त पद बना हो
उसके पहले पद को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राज, यहां प्रयुक्त राज शब्द पूर्व पद कहलाएगा और पत्र उत्तर पद। इसी प्रकार माखन चोर शब्द में माखन पूर्व पद है और चोर उत्तर पद। पूर्व का मतलब पहले वाला और उत्तर का मतलब दूसरा, बाद वाला, पूर्व पद और उत्तर पद। इस प्रकार समस्त पद के दो भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आइए अब हम जानते हैं समास विग्रह के लिए। समास विग्रह, समास संयुक्त करने की प्रक्रिया हो रही है, उसका संक्षेपीकरण किया जा रहा है, शब्दों को जोड़ा जा रहा है। और समास विग्रह का अर्थ है समास की प्रक्रिया से जिन नए शब्दों का निर्माण हो रहा है उसको अलग करना। विग्रह का अर्थ है अलग करना। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद में शब्द है सुख प्राप्त, यहाँ सुख प्राप्त समस्त पद का विग्रह हो रहा है सुख को प्राप्त। प्रयोगशाला समास की प्रक्रिया द्वारा बना शब्द है, समस्त पद है और इसका विग्रह करने पर होगा प्रयोग के लिए शाला। इसी प्रकार देशभक्ति समस्त पद का विग्रह करने पर समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। समस्त पद गुणहीन का विग्रह करने पर शब्द बनेगा गुण से हीन। इस प्रकार हमने देखा समास है शब्दों को संक्षेप में इकट्ठा करना और समास विग्रह है समस्त पद के शब्द को अलग करके लिखना। बिजनेस ऑनलाइन लाने के चक्कर में चंपक सर के सर पे सिर्फ चार बाल बचे हैं। जो समास है ये दो तीन शब्दों को मिलाकर एक वर्ड बनता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यारे बच्चों आज हम संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते, आज हम कक्षा दसवीं के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित ऑनलाइन वाले भी इसको लिख लीजिए समास विषय का अध्ययन करेंगे। समास जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। समास शब्द संस्कृत की अस धातु। समास का ये डेफिनेशन नोट्स बनाए, छोटा करना मतलब पहले तो ये हो गया छोटा करना से बना है जी। इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग में अस धातु जोड़ने पर समास शब्द बना है। सम का अर्थ है संयोग और अस का अर्थ है होना। संयोग को वो क्या बोलेंगे, साथ होना, मिलाना सर, मिलाना। संयोग होने की स्थिति में संक्षेपीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्द और पद से आप पूर्व परिचित हैं। पद किसे कहते हैं ये आप जानते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे मोहन शब्द है और हम कहें मोहन बाजार जाता है, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। शब्द वाक्यों में यानी कि जुमले, जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं जब। पद कहलाते हैं।
तो वाक्य के अंतर्गत मोहन शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे पद कहा जाएगा। इसी प्रकार यहां देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रस से भरा, यहाँ तीन शब्द हैं रस से और भरा, इन तीनों को जोड़कर एक नया शब्द बनकर आ रहा है रस भरा। क्या होगा कि दो दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, उन सबको मिलाकर एक नया, जैसे कि तीन हुए ना सर। हाँ ये तीन हो, तीन वर्ड से मिलाकर जो तो एक वर्ड, तीन लफ्जों से मिलाकर एक अलग अलग दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक वर्ड बन जाता है, अल्फाजों से मिलाकर एक जोड़ अलफाज बोलेंगे। सबसे पहले देखिए समाज का मतलब मकसद क्या है। समाज का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा बोलने से बेहतर उसको छोटा करना, उसका मीनिंग हमने क्या देखा, समाज छोटा करना। और छोटा करना यानी उसमें यह रहेगा कि दो या दो से ज्यादा शब्द जो रहेंगे, रस से भरा हुआ भी हो सकता है, वो हुआ भी हो सकता है, रस से भरा हुआ, तो रस भरा, रस से भरा हुआ ग्लास, रस भरा ग्लास, मतलब ऐसे इस तरह से रस भरा उसको कम करके बोलना, ये समाज कहलाएगा। छोटा शॉर्ट करना, शॉर्ट मीनिंगफुल, यही प्रक्रिया समास कहलाती है। और इस प्रकार बना ये रस भरा शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। ऐसे ही अब जो बन गया तो वो समस्त पद या फिर सामासिक पद कहला रहा है। अब ये क्या है वो देखें। देखिए आनंद में मग्न, आनंद मग्न, यहाँ प्रयुक्त आनंद, उर्दू में ऐसा कोई बोल सकते हैं जो ऐसे कोई अल्फाज जो मिलकर ऐसा बनेंगे? गुलदान जी, ऑनलाइन से कोई बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आनंद में मगर, आनंद गुल और दान दोनों डिफरेंट वर्ड से बट वो सेम मीनिंग निकालते हैं। कौन से, गुल और दान? हाँ गुल और दान, हाँ गुलदान। फिर वैसे पान दान, लेकिन इसको मिलाना हो जा रहा है सिर्फ अलग अलग। जैसे रस से भरा वाले तो कैसा था कि इसमें किस से भरा हुआ है वो एक बिलोंग कर रहा था, उसमें मतलब क्या आ रहा था से या फिर वो चीज है आनंद में, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, से में वगैरह, बिलोंगिंग के सेंटेंसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ड वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, इसमें से क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। जो मिक्स होने वाला वर्ड है ऐसा है कोई? गम में डूबा हुआ, गमगीन, ऐसे इस तरह से, तो इस तरह से मग्न शब्द समास की प्रक्रिया द्वारा बना एक नया शब्द है। और इस प्रकार आनंद मग्न शब्द यहाँ समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। आगे देखते हैं, जिन दो पदों के मेल से समस्त पद बना हो